हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथ्स में पॉलिनोमियल की लास्ट एक्सरसाइज जो कि है आपकी 2.3। तो जो इस एक्सरसाइज में पहले टाइप का क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से होता है, डिवाइड पीएक्स एंड जीएक्स एंड फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, तो आपको एक फंक्शन दिया है पीएक्स और दूसरा दिया है जीएक्स, तो यहाँ पे आपको जीएक्स से पीएक्स को डिवाइड करना है और इसका क्वोशेंट और रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जीएक्स की वैल्यू लिख ली जिससे हमें डिवाइड करना है और यहाँ पे हमने पीएक्स की वैल्यू लिख ली जिसको हमें डिवाइड करना है। ठीक, अब हमें पहली वैल्यू जो चाहिए यहाँ पे वो एक्स क्यूब चाहिए। अब अगर रफ में आप इसको देखो तो एक्स स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करें ताकि ये क्या बन जाए, एक्स क्यूब बन जाए। तो यहाँ पे हमें ये सोचना है कि जो एक्स क्यूब पहली जो टर्म है वो हम कैसे लेके आएंगे, तो एक्स स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करें ताकि ये एक्स क्यूब बन जाए। तो यहाँ पे दिख रहा है एक्स स्क्वायर में 2 पावर है, एक और पावर आएगी तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा। तो हम अगर इसको x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया x से तो ये बन गया x क्यूब। अब सिमिलरली इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया तो ऐसे ही ये जो दूसरी टर्म है इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 into x 2x हो जाएगा और ये लाइक टर्म के अंडर में ही लिखेंगे इसको। ठीक है, तो ये 2x आएगा हमारे 5x के नीचे, तो माइनस का 2 into x हो गया -2x, ये आ गया यहाँ पे -2x। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो इनके पहले साइन चेंज कर लेंगे तो ये प्लस का था ये माइनस हो गया, माइनस का था ये प्लस हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गए और ये वाली टर्म ऐसे के ऐसे ही नीचे उतर के आ गए। ठीक है, और ये वाला दोनों टर्म ऐड हो गए तो ये हो गया 7x। ठीक, अब हमें ये देखना है कि एक्स स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करें ताकि ये माइनस का 3x बन जाए। तो ये एक्स स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो माइनस का 3x आ जाए, -3 से, तो ये बन जाएगा -3x2। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया -3 से, तो -3 से मल्टीप्लाई करने पे ये हो गया -3x2 और ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, ये वाली टर्म भी पहले हम यही लिख लेते हैं। ठीक, तो ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो 2 3 6 हो गया, -+6, तो ये आ गया +6। अब अगर इसके हम साइन चेंज कर ले तो ये माइनस की जगह ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये 7x ऐसे आ गया नीचे, ये -9। ठीक, अब हमें दिख रहा है कि ये जो नंबर है अब ये छोटा हो गया है जिससे हमें इसको डिवाइड करना, तो अब इससे ज्यादा ये फर्दर नीचे डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक, एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे 3 हो और यहाँ पे 6 हो तो उसको हम आगे डिवाइड ही नहीं कर सकते क्योंकि 6 से डिवाइड करना बचा है 3, तो उससे ज्यादा वो डिवाइड होगा नहीं। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वेरिएबल जो बचा है वो सिंपल x बचा है, इसकी कोई पावर नहीं है और जिससे डिवाइड करना है उसकी पावर एक्स स्क्वायर है, तो अब ये फर्दर आगे डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन आया हमारा x माइनस 3 और जो रिमाइंडर आया हमारा वो आया 7x-9। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें यही करना था, इसमें हमें क्वेश्चन निकालना था और साथ में इसका रिमाइंडर निकालना था। तो क्वेश्चन हो गया हमारा x माइनस 3, रिमाइंडर हो गया हमारा 7x-9। ठीक, तो इसी टाइप से इसके और भी पार्ट्स हैं, सिमिलर वे में ही करने हैं जैसे इसको हमने अभी किया। तो बात करते हैं हम इसमें दूसरे टाइप के क्वेश्चन की। तो जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन होता है उसमें वो कुछ इस टाइप से होता है, चेक वेदर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूसरे टाइप का आपका क्वेश्चन होता है उसमें आपको क्या करना है कि एक पॉलिनोमियल को चेक करना है कि वो दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं, और कैसे चेक करना है आपको, पहले पॉलिनोमियल से आपको दूसरे वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करके दिखाना है। तो इसमें क्या करते हैं हम कि पहले वाले पॉलिनोमियल से सेकंड पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे और अगर वो पॉलिनोमियल पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो जो पहला पॉलिनोमियल होगा वो दूसरे वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो यहाँ पे जो हमें पहला पॉलिनोमियल दिया है वो दिया है t²-3 और जो सेकंड पॉलिनोमियल दिया है वो दिया है 2t⁴+3t³-2t²-9t-12। ठीक है, तो हमें ये दिखाना है कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक, तो अब यहाँ पे हम सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करके देखेंगे, अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो ये फर्स्ट पॉलिनोमियल जो होगा वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। ठीक है, अगर ये नहीं होता है डिवाइड तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास पहला पॉलिनोमियल है उसकी फर्स्ट टर्म है t² और जो सेकंड पॉलिनोमियल है उसकी फर्स्ट टर्म है 2t⁴। तो जो फर्स्ट पॉलिनोमियल की पहली टर्म है t² उसको हमें 2t⁴ बनाना है, तो हम इसको 2t⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम इसको 2t⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2t⁴ बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2t⁴ से। ठीक, अब इसको इस पर मल्टीप्लाई करने पे ये बन गया 2t⁴। ठीक है,
अब इसकी जो सेकंड टर्म थी फर्स्ट पॉलिनोमियल की उसको भी इसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 2 3 6 हो जाएगा, माइनस का 6t² हो जाएगा, और इसको इसके लाइक टर्म के नीचे ही लिखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा -6t^2। ठीक है, उसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये यहाँ पर आ जाएगा 4t² प्लस का। ठीक, और ये जो टर्म थी ये ऐसे की ऐसी नीचे आ जाएगी, बाकी हमने ये वाली टर्म भी नीचे लिख ली। तो अगर इसको आगे देखें तो यहाँ पे 3t^3 है, ठीक है, और यहाँ पे t² है, तो एक और पावर लेके आनी है तो t से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे 3 भी चाहिए तो 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो +3t से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 3t^3। ठीक है, t² × t हो गया, t^3 और × 3 किया तो ये बन गया 3। ठीक, अब इसी टाइप से ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो -3 × 3t हो जाएगा -90, तो ये -90 हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो ये हो गया माइनस का, ये पॉजिटिव, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये वाली टर्म ऐसे के ऐसे ही नीचे आ गई, और वो वाली टर्म उतार के हमने नीचे लिख ली 12। ठीक है, अब हमें यहाँ पे 4t² बनाना है, हमारे पास t² है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4t², तो यहाँ पे प्लस का 4 हमने लिख लिया, इससे हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये बन गया 4t², ये माइनस का 3 × 4, तो ये हो गया -12। ठीक है, अब दोनों सेम टर्म है, इनके साइन चेंज हो जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 0। तो अब क्योंकि इसमें नीचे रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो उसका मतलब जो पहला पॉलिनोमियल था वो फैक्टर है दूसरे पॉलिनोमियल का, तो हम लास्ट में लिख सकते हैं यस फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। ठीक, तो अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की, तो जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है वो इस टाइप से होता है, ऑब्टेन ऑल जीरोस ऑफ 3x^4 6x³ - 2x² -10x - 5 इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर √5/3 एंड माइनस का √5/3। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें एक पॉलिनोमियल दिया है, उसके हमें 2 जीरोस दिए हुए हैं और उसके बाकी जितने भी जीरोस हैं वो हमें निकालने हैं। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे हमें पॉलिनोमियल के कुछ जीरोस दिए हुए होते हैं और बाकी हमें निकालने होते हैं, तो हम उसके जो दिए हुए जीरोस होते हैं उनका यूज करके बाकी जीरोस को निकालते हैं। ठीक, अब क्योंकि ये इसका जीरो है, तो यानी यहाँ पे एक्स की अगर ये वैल्यू रख दी जाए तो ये जीरो हो जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू एक हो गई √5/3 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी एक्स की -√5/3। अगर इन दोनों वैल्यूज को मैं सेपरेटली इसमें रखूंगा तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको जीरोस बोल रहे हैं इसका। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, तो एक्स को हम एक बार √5/3 रख सकते हैं और एक बार हम x को -√5/3 रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहां से इसके फैक्टर बना ले, तो फैक्टर बनाएंगे तो इसको इधर ले आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यानी x -√5/3 इसका एक फैक्टर हो गया, और यहां से देखें तो इसका साइन चेंज हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो एक्स +√5/3 इसका एक फैक्टर हो गया। ठीक, अगर इन दोनों को एक साथ ले लें तो ये दोनों भी इसके फैक्टर होंगे, तो अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो भी ये इसका फैक्टर होगा। ठीक है, ये भी पूरे का पूरा जो होगा इसका फैक्टर बनेगा इस पॉलिनोमियल का, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो यहां साफ दिख रहा है a - b और a+b बन रहा है, तो हम इसको a² - b² लिख सकते हैं, तो यहाँ पे a² हो गया, यानी एक्स का स्क्वायर, b² कर लेंगे तो √5/3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो √ हट जाएगा, तो यहाँ पे -5/3 आ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि x² - 5/3 जो है वो भी इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड होगा, यानी रिमाइंडर जो आएगा वो जीरो आएगा, तो ऐसे केस में जो इसका क्वोशेंट आएगा उससे हम इसके फर्दर जो जीरोज होंगे वो निकाल लेंगे, तो जो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर बन के आया था उससे हम इसको पूरा पूरा डिवाइड करके देखेंगे, तो ये पक्का पूरा पूरा डिवाइड होगा और लास्ट में रिमाइंडर जीरो आएगा ही, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। ठीक, तो अगर मैं इसको यहाँ डिवाइड करूं तो यहाँ x² है हमारे पास, यहाँ पे 3x^4, तो x^4 लाने के लिए x² से मल्टीप्लाई करूंगा, साथ में 3 है तो 3x² से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3x² से मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 3x^4, और ये -5/3 अगर मल्टीप्लाई होगा 3x² से, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा -5x², तो इसको इसके लाइक टर्म के नीचे हम लिख लेंगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा -5x², तो अब इनके हम सिंबल चेंज कर लेंगे, तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा ये प्लस का 3x², और यहाँ पे आ गया ये 6x³, साथ में -10x भी साथ में लिख लेते हैं, यहाँ पे हमें टर्म चाहिए 6x³ और यहाँ पे हमारे पास x²
तो इसको 6x से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो प्लस 6x से मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा यहाँ पे 6x³। और अगर इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 6x के साथ यानी -5/3 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर 6x से, तो ये इससे मल्टीप्लाई होके 3 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा 2 times, तो यहाँ पे ये -10x बचेगा। तो ये -10x हम यहाँ पे लिख लेंगे तो ये हो गया माइनस का 10x। -5/3 को मल्टीप्लाई किया हमने 6x से तो आया -10x। ठीक, अब इनके सिंबल चेंज कर लेंगे तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा ये 3x² और साथ में बचा -5। तो अब यहाँ पे x² है और यहाँ पे चाहिए 3x², तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो यहाँ पे प्लस का 3 लिख लिया हमने, तो यहाँ आ गया ये 3x², ये -5/3 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये -5/3 इंटू 3 करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, बचेगा -5, तो यहाँ पे आ गया ये -5। तो ये एक जैसी टर्म बन रही है, साइन इसके हम चेंज कर लेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो इसका जो क्वेश्चन आया वो आया 3x² प्लस 6x प्लस 3, और इसकी जो बाकी जीरोज हैं वो हम यहां से निकालेंगे। तो अब हमें फर्दर पता है कि जो डिविडेंड होता है वो इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर के। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास डिविडेंड था वो था 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 3x² माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, और जो डिवाइजर था जिससे हम उसको डिवाइड कर रहे थे वो था x² माइनस 5/3, और जो हमारा क्वेश्चन आया वो आया था 3x² प्लस 6x प्लस 3, रिमाइंडर यहाँ पे था नहीं तो प्लस 0। तो यहाँ पे ये जो टर्म बनी डिवाइजर इंटू क्वेश्चन ही रह गया क्योंकि रिमाइंडर तो 0 है, तो ये बन गया x² माइनस 5/3 इंटू 3x² प्लस 6x प्लस 3। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, दूसरे वाली टर्म को हम स्प्लिट कर लेंगे और यहां से हम इसके बाकी जो जीरो थे वो निकाल लेंगे। तो ये वाली टर्म को हमने ऐसे ही रहने दिया x² माइनस 5/3, यहाँ पे हमने 6x को स्प्लिट कर लिया तो इसको हम लिख सकते हैं 3x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसे का ऐसे ही लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा x² माइनस 5/3। अंदर वाली टर्म में हम इन दो टर्म्स को एक साथ ले लेंगे, इन दो टर्म्स को एक साथ ले लेंगे, तो इन दो टर्म्स में दिख रहा हमें 3 कॉमन है तो 3x कॉमन आ जाएगा, 3x यहां से कॉमन हो जाएगा तो यहाँ अंदर बचेगा x, यहां से बचेगा प्लस का 1। ठीक, सिमिलरली इन दोनों में 3 कॉमन हो जाएगा तो प्लस 3 और ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1। ठीक, ये पहला वाला फैक्टर था इसका, इसको हम ऐसे का ऐसे ही लिख लेंगे। अब यहां से देखें तो ये कॉमन टर्म है तो इसको एक बार लिख लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1, और जो बाकी जो टर्म बची उसको साथ में लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1। ठीक है, ये तो हमने इसके फैक्टर निकाल लिए। ठीक है, अब हमें इसके जीरोस निकालने थे तो हम इसको इक्वल टू 0 रख लेंगे। ठीक, तो अगर हम इसको 0 रख लेंगे इक्वल टू, तो ये हो जाएगा x² माइनस 5/3 इंटू x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि हमें इसके जीरोस निकालने थे तो हमने इन सबको इक्वल टू 0 रख लिया, इन फैक्टर्स को, तो यहां से हम x की वैल्यूज निकाल लेंगे तो हमारे सारे के सारे जीरोस आ जाएंगे। तो अब इनको अलग अलग करके हम अलग अलग जीरो के इक्वल रख लेंगे, तो यहां से ये x² माइनस 5/3 इक्वल टू 0 हो गया, इधर से ये x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया, इधर से ये 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहां से तो हमें पता है ये x² इक्वल टू उस तरफ ये जाएगा तो ये 5/3 हो जाएगा, तो यहां से ये x इज इक्वल टू एक बार अंडर रूट 5/3 आ जाएगा और एक बार माइनस का 5/3 आ जाएगा जो कि हमें पहले से दिया हुआ था। और यहां से अगर सॉल्व करें तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 1, यहां से सॉल्व करेंगे तो ये 3x इक्वल टू ये 3 उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 3, तो यहां से सॉल्व करके x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1। तो इसके जो आप बाकी जीरोज हैं वो है x इक्वल टू माइनस 1 और दूसरा भी है वो भी x इक्वल टू माइनस 1। तो हम इसमें लास्ट में लिख सकते हैं द अदर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर -1 एंड -1। ठीक, तो जो इस एक्सरसाइज का लास्ट टाइप का क्वेश्चन होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, ऑन डिवाइडिंग x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बाय पॉलिनोमियल gx क्वोशेंट एंड रिमाइंडर वर x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4 रिस्पेक्टिवली फाइंड gx। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसको हमने एक दूसरे पॉलिनोमियल gx से डिवाइड किया और उसको डिवाइड करने पे एक क्वेश्चन आया x माइनस 2 और रिमाइंडर आया माइनस 2x प्लस 3। तो हमें वो पॉलिनोमियल बताना है जिससे हमने इसको डिवाइड किया है। ठीक, तो हमें यहाँ पे gx निकालना है यानी वो दूसरा वाला पॉलिनोमियल निकालना है। तो ये दूसरा वाला पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम डिविजन थ्योरम का यूज करेंगे। हमें पता है कि जो डिविडेंट होता है वो इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू क्वेश्चन
और साथ में प्लस रिमाइंडर, ठीक है, प्लस रिमाइंडर। अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज रख लेंगे और यहां से फिर हम जीएक्स निकाल लेंगे। तो हमें डिविडेंड दिख रहा है, इसको डिवाइड करना था, तो यहाँ डिविडेंड की जगह हमने लिख लिया एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, ठीक है। और डिवाइजर जो था हमारे पास वो है जीएक्स, तो हमने यहाँ पे जीएक्स लिख लिया। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन है एक्स माइनस टू और जो रिमाइंडर है वो है माइनस टू एक्स प्लस फोर, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इस वाली टर्म को उठा के इस तरफ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, तो ये प्लस का टू एक्स हो जाएगा और ये माइनस फोर इक्वल टू जी एक्स इंटू, ये इंटू में इंटू एक्स माइनस टू। तो अगर हम इसको फर्दर और सॉल्व कर ले तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ये एक्स और ये टू एक्स एड हो जाएगा, तो ये हो गया थ्री एक्स और ये टू और ये माइनस फोर, अगर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो बचा माइनस टू इंटू में यहां पे बचा जी एक्स इंटू एक्स माइनस टू। अब हमें यहां से जी एक्स निकालना है, तो ये एक्स माइनस टू जो होगा इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो यहां से हमारे पास ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू जी एक्स, और जो इसके साथ का ये एक्स माइनस टू था ये अपॉन में आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस टू। तो यानी जी एक्स निकालने के लिए मेरे को इस वाले पॉलिनोमियल को एक्स माइनस टू से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको डिवाइड करके जो क्वेश्चन आएगा वो हमारा जी एक्स हो जाएगा, ठीक। तो अब जी एक्स निकालने के लिए हम इसको एक्स माइनस टू से डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स क्यूब है, यहाँ पे हमारे पास जो टर्म है वो है एक्स, तो एक्स क्यूब बनाने के लिए हम इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके बन गया एक्स क्यूब, टू इससे मल्टीप्लाई होके बन गया माइनस का टू एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स और ये माइनस टू भी साथ में लिख लेते हैं नीचे। अब यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे एक्स है तो माइनस एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस का टू एक्स हो जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व कर ले तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा एक्स और ये बचा माइनस टू। अब यहाँ पे भी वही टर्म है, यहाँ पे भी वही टर्म है, तो यहाँ पे प्लस वन लिख लेंगे, तो ये एक्स माइनस टू आ जाएगा। इनके साइन चेंज कर लें अगर हम, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचेगा यहाँ, ठीक। तो ये सॉल्व होके यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा वो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, तो यही हमारा जी एक्स हो जाएगा। तो जी एक्स जो आएगा हमारा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी 2.4 एक्सरसाइज खत्म हुई और साथ में ही आपका जो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स वो भी खत्म हुआ। आई होप आज हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो सब आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचे। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच।